दोस्तों, क्रिक माइंड की पिछली वीडियो के बाद क्रिकेट फैंस समेत हमारी टीम के मेंबर्स भी घबरा गए, क्योंकि हमने विकेट कीपर, ऑलराउंडर, ओपनर, पेसर सबको लेकर फिलहाल इंडियन मैनेजमेंट के कंफ्यूज सिचुएशन में होने की बात जो कह दी है। उस वीडियो के बाद ऐसा लग रहा है कि इंडिया सिर्फ औपचारिकता के लिए मैदान में उतरेगा, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। क्योंकि हम इंडिया को हर पल फॉलो करते हैं, इसलिए हमें इंडिया की इतनी कमियां पता है, लेकिन हर पल फॉलो करने का फायदा यह भी है कि टीम की ताकत का अंदाजा भी हो ही जाता है। और जैसा हमने वादा किया था कि कमियों के बाद एक वीडियो लेकर के जरूर आएंगे इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर। तो चलिए, बिना वक्त गवाए क्रिक माइंड के क्रिस्पी अंदाज में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इंडिया के हक में आने वाली ऐसी पांच बातों का जिक्र करते हैं जो इंडिया को चैंपियन बनाने के लिए काफी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी का ही चैनल क्रिक माइंड। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर वन, किंग और प्रिंस दोनों इन फॉर्म। तो दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से ठीक पहले रोहित का आउट ऑफ फॉर्म होना बुरी खबर है, तो उनके जोड़ीदार शुभमन गिल का फॉर्म में आना इंडिया के लिए लॉटरी लगने जैसा है। क्योंकि जब से रोहित ने गिल के साथ टेस्ट में ओपनिंग शुरू की है, तब से एक आध मौके को छोड़कर उनका बैट खामोशी था। लेकिन हालिया दिनों में टेस्ट क्या, T20 क्या, वनडे क्या, IPL क्या, गिल के बल्ले ने आग उगली है। और अब इस आग का अगर 40% हिस्सा भी ओवल में दिख गया तो कंगारू जलकर खाक हो जाएंगे। वैसे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने शुभमन गिल की फॉर्म को लॉटरी क्यों कहा। तो इस सवाल का जवाब है, जब किंग अपने रंग में है तो प्रिंस का असर लॉटरी या बोनस ही होता है। जी हाँ, आप सही समझे। प्रिंस शुभमन गिल के बाद हम बात करेंगे किंग कोहली के फॉर्म की। भला करे क्यों नहीं, पिछले 4 सालों में कोहली ने जितना रनों के लिए तड़पाया था, उतना तो शायद गर्मी में सुकून देने वाली बारिश भी नहीं तड़पाती है। खैर जो भी हो, अब विराट फॉर्म में है और एटीट्यूड से रंग में भी दिख रहे हैं। बाकी बैंगलोर की हार, इंडिया की लास्ट फाइनल वाली हार, वर्ल्ड के सेमीफाइनल से बाहर होने वाली जैसी तस्वीरें कोहली के दिमाग में अब भी होंगी, जिन्हें बदलने के लिए कोहली कंगारुओं पर कहर बनकर टूट सकते हैं। इसलिए हम गिल और कोहली के इस टाइम फॉर्म में होने को इंडियन टीम की सबसे बड़ी ताकत कह रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर दो, बॉल की बकबक खत्म हुई। जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ड्यूक्स बॉल की जगह कूका बुरा बॉल आने की बात हुई थी, तब से इंडियन मीडिया में ऐसा माहौल था जैसे कूका बुरा ना हो, कोई बुरी आत्मा हो जिसकी एंट्री से इंडिया की हार तय हो गई थी। माना कि बॉल अलग तरीके से काम करती है, लेकिन एक बॉल हार जीत का फर्क नहीं बनती। खैर अब ऐसा कुछ नहीं है, ICC ने अपना फरमान वापस लेते हुए फाइनल मैच के लिए ड्यूक्स बॉल की परमिशन दे दी है। इस परमिशन से होने वाले कुछ फायदों में सबसे पहले 3 फायदे हमें नजर आते हैं। एक तो इंडियन बॉलर्स ड्यूक्स बॉल से वाकिफ ही हैं। दूसरा, कंगारू को कूका बुरा बॉल यूज होने से मिलने वाला एक्स्ट्रा एडवांटेज अब निल हो गया है। तीसरा और आखिरी की, बॉलर साइपिल के दौरान जो पर वीक 60-70 ओवर्स ड्यूक बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे, अब उसका फायदा मिलेगा। पिछले कुछ रोज पहले जो बॉल इंडिया के लिए टेंशन थी, अब वही बॉल हमें इंडिया की ताकत के रूप में दिख रही है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 3, मॉडर्न दीवार करेगी कमाल। दोस्तों, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, इस सेंटेंस को शो करने के लिए अगर कोई चेहरा कभी बना तो हम शर्त लगाते हैं कि उसकी बहुत सारी क्वालिटी चेतेश्वर पुजारा जैसी होंगी। क्योंकि जहां एक तरफ बड़ा क्रिकेटर IPL में अपनी प्रेजेंस दे रहा है, वहीं पुजारा फाइनल की तैयारी के लिए इंग्लैंड में वक्त बिता रहे थे। और वक्त बिताना कितना इम्पैक्टफुल या कहें जरूरी था, आप इसका अंदाजा ऐसे लगाएं कि फॉरेन मीडिया तक पुजारा को इस मैच की मेन हाईलाइट बता रही है। पुजारा के इर्द गिर्द इंडिया की जीत और ऑस्ट्रेलिया की हार रिवॉल्व करने की बातें हो रही हैं। भला हो भी क्यों नहीं, पुजारा नाम ही ऐसा है, एक बार जब विकेट पर जम गए तो कोई ताकत नहीं है उन्हें हिलाने वाली। हालांकि वो भी कोहली, रोहित, रहाणे की तरह कोविड के बाद से शतकों से जूझ रहे थे, लेकिन बीते कुछ महीने बतौर बैटर उनके लिए भी अच्छे रहे। इसलिए हमारे हिसाब से इस वक्त पुजारा इंडियन टीम की बड़ी ताकत और आस है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खिताब अपने नाम करने के लिए। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 4, पेसर्स का स्पीड अप होना। दोस्तों, जैसे रेस कोर्स पर उतरने से पहले ड्राइवर अपनी गाड़ी के सभी कलपुर्जे चेक करने के लिए तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाकर देखता है, वैसे ही पेसर्स के लिए भी एक्सरसाइज कम से कम बड़े मैच से पहले तो जरूरी होती है। हालांकि इंडियन पेसर्स को प्रैक्टिस मैच के रूप में ये एक्सरसाइज नहीं मिली है, जो टेंशन की बात है, मगर इस वक्त इंडियन के मेन बॉलर शमी और सिराज का IPL में अच्छा करना, पूरा मैच खेलना, इंडियन पेस अटैक के फरारी के पूरी तरह फिट फॉर्म में और लीथल होने का सबूत है। खासकर बुमराह की गैर मौजूदगी में जो अंदाज शमी को चाहिए, अगर एक बार वहां पहुंच गए और सिराज ने थोड़ा सा भी साथ दिया, तो हम वादा करते हैं कि आप कंगारुओं को लंदन के ओवल में भरतनाट्यम करता हो पाएंगे। बाकी इन दोनों के अलावा भी उमेश, शार्दुल या फिर उनादकट, तीनों इरे दम में। इसलिए शमी और सिराज की मौजूदगी में हमारा पेस अटैक ऑस्ट्रेलिया जितना ना सही तो उनसे कम भी नहीं लग रहा है। वैसे भी बड़े मैचों में नाम नहीं काम चलता है, और काम करने में शमी के साथ सिराज का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 5, घायल शेर सबसे खतरनाक। दोस्तों, ऊपर के सारे ताकत वाले पॉइंट्स प्लेयर्स के इर्द गिर्द थे, मगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट इंडियन टीम की मेंटेलिटी दर्शाता है। माना कि इंडिया पर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल नहीं हारने का दबाव होगा, लेकिन वहीं उन्हें पहले फाइनल का एक्सपीरियंस भी है। टेस्ट फाइनल का प्रेशर कैसा होता है ये भी याद है। बाकी रोहित,
कोहली, पुजारा, गिल, अश्विन, जडेजा, शमी, रहाणे सबका पुराना फाइनल खेल के आना भी एक फायदे का सौदा ही है, क्योंकि एक बार नुकसान उठा चुका इंसान सबक लेकर अगली बार गलतियां कम करता है। जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया फाइनल जैसा प्रेशर क्या इंग्लैंड में ही अरसों बाद खेलेगा, इसलिए मेंटली तौर पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बेहतर सिचुएशन में होगी, क्योंकि ताकतवर ऑस्ट्रेलिया को घायल इंडियन शेर वो स्वाद चखा सकते हैं जिसकी उम्मीद पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को भी नहीं होगी। इसलिए हमें इंडिया का बड़ा मजबूत और इम्पैक्टफुल स्ट्रांग पॉइंट लग रहा है। बाकी आपका क्या कहना है इस विषय पर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, काफी रिसर्च लगती है, आपका एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा शेयर हमारा मनोबल बढ़ाता रहेगा, तुम्हारे मेहनत को सपोर्ट करें। मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।